पब्लिक टीवी आपकी आवाज। अमरोहा जनपद के बछरायूं थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों में हुई मुठभेड़ में एक सिपाही शहीद हो गया। मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से बदमाश की मौत हो गई। गोली लगने से घायल सिपाही को इलाज के लिए मुरादाबाद स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान भी उसकी मौत हो गई। सिपाही की मौत के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। बछरायूं थाना क्षेत्र में देर शाम पुलिस को एक फरार हिस्ट्री शीटर बदमाश के होने की जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस ने बदमाशों की तलाशी में अभियान शुरू कर दिया। इंद्रपुर गांव में बदमाश शिव अवतार से पुलिस की मुठभेड़ हो गई और दोनों तरफ से फायरिंग होने लगी। खुद को घिरा देख हिस्ट्री शीटर शिव अवतार ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस फायरिंग में वो घायल हो गया। शिव अवतार को पकड़ने गई पुलिस टीम के सिपाही हर्ष को भी गोली लगी, जिसको इलाज के लिए मुरादाबाद लाया गया। TMU मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान सिपाही हर्ष चौधरी की मौत हो गई। शहीद हर्ष चौधरी हाथरस जनपद के श्यामनगर कोतवाली थाना क्षेत्र का रहने वाला था। 2 साल पहले ही पुलिस में भर्ती हुआ था। हर्ष की 6 महीने पहले शादी हुई थी। वो परिवार में इकलौता बेटा था। हर्ष चौधरी की मौत के बाद पुलिस अधिकारी अस्पताल पहुंचे और घटना की जानकारी ली। SP अमरोहा के मुताबिक पूरे मामले की जानकारी ली जा रही है और शहीद सिपाही के परिजनों को मामले की जानकारी दे दी गई है। पुलिस अधिकारियों ने इस पूरे मामले से उच्च अधिकारियों को भी अवगत कराया है। जी, इसमें एक पुलिसकर्मी को कार्रवाई में गोली लगी है, जिसमें कि जवाबी कार्रवाई में अपराधी को भी गोली लगी है। दोनों ही घायल थे। दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां दोनों की मृत्यु हो गई है। प्रथम दृष्टया जानकारी में जो आया है, उसमें पता चला है कि पुलिस जो है वहां पर वांछित अपराधियों को गिरफ्तार करने और हिस्ट्री शीटर चेकिंग का अभियान में गई थी। वहाँ पर अपराधी ने देखते ही फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में जो हमारे कांस्टेबल हैं हर्ष, उन्होंने बड़ी बहादुरी का परिचय दिया और बड़ी बहादुरी से उसका सामना किया और जवाबी फायरिंग में उसको भी अपराधी भी घायल हुआ था, जिसे कि दोनों अन्य जो पुलिस बल मौके पर बुलाया गया मदद के लिए, वो पहुंचे, दोनों को अस्पताल ले गए, जहाँ इन्हें मृत घोषित किया गया। कितने पुलिस वाले गाँव में गए थे, उसके घर पर गए थे, कहाँ पर गए थे? जी, इसमें अभी हम जानकारी कर रहे हैं। आगे जो भी पुलिसकर्मी साथ में रहे हैं उनकी जानकारी करके इसमें जो भी विधिक कार्यवाही है, मुकदमा दर्ज होगा, बयान होगा। बदमाश था, उसके मुकदमे पर डिटेल्स कुछ? इसका क्या नाम था और उस पर कितना आपराधिक रिकॉर्ड? जी, ये बदमाश, इसका नाम शिव अवतार था और इसका आपराधिक इतिहास में 19-20 मुकदमे हैं इसके ऊपर। हिस्ट्री शीट खुली हुई थी इसके बछरायूं थाना क्षेत्र की। हाल में इसका जो प्रभाव था गाँव में वो बहुत अच्छा था और आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए इसका जो दबदबा था उसके चलते कोई से उलझता नहीं था गांव में। यह अभी संज्ञान में आया था कि अभी हाल ही में इसने कुछ लड़कों को संरक्षण देना शुरू किया था अपने खेत पर, ये उनसे संरक्षण देता था। अच्छा। और इसमें आगे और भी तफ्तीश की जा रही है और आगे कार्यवाही की घटना किस जगह हुई, जो मुठभेड़ हुई वो कहाँ पर हुई, मतलब आबादी में हुई या जंगल में हुई? जो इनका ये शिव अवतार है, इनका जो ट्यूबवेल है, जब पुलिस वहाँ पहुँची थी वहीं पर इसके ऊपर फायर किया गया पुलिस के ऊपर, और वहीं की घटना।